सूजी की रिंग्स पोटैटो स्टफ्ड, अच्छी सी लग रही है ना, टेस्टी सी। और ये पहले इस तरीके का रोल था और कट करके ऐसा हो गया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। प्लीज वेलकम। आज हम बनाएंगे सूजी स्टफ्ड रिंग्स या रोल्स। और उसके लिए ये एक कप सूजी ली है मैंने और ये एक ही कप फिटा हुआ दही है, दोनों सेम अमाउंट है। सबसे पहले इन दोनों को मिक्स कर देंगे हम थोड़ा थोड़ा डाल के। देखिए हमें इसका गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाना है, जैसे इडली का बैटर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो अगर थोड़ा सा कम पड़ेगा तो थोड़ा पानी डाल देंगे, बट मेरे ख्याल से इसमें हो जाना चाहिए। बाद में ऑब्वियसली रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा इसको थोड़े से पानी की जरूरत होगी, लेकिन फिलहाल ये वैसा हो गया जैसा हमें चाहिए था। अब क्योंकि ये बर्तन थोड़ा सा ऐसा है जिसके एंड्स पे अटका रह सकता है, तो मैं ये दही वाले में ही डाल देती हूँ इसको, और इसको रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट रखूंगी। लेकिन इसको रेस्ट कराने का मतलब ये नहीं है कि हमारा काम खत्म हो जाता है, हमें इसकी फिलिंग बनानी होगी। तो साथ के साथ हम इसकी फिलिंग बना लेंगे जब तक कि ये रेस्ट करता है। इसी बहाने जो बची हुई दही है वो भी हमारी यूटिलाइज हो गई इसके अंदर जो थी, और हमें पानी भी नहीं डालना पड़ा। तैयार हो गया। एक्चुअली इट इज नॉट लाइक इडली बैटर, उससे भी गाढ़ा है, बट दैट्स ओके, बाद में पानी डालना ही है। थोड़ा सा अभी डाल देती हूँ। जिससे कि मेरा ये यहाँ से भी सूजी निकल जाए जिस बर्तन से मैं मिक्स कर रही थी, जो चिपका रह गया वो सब निकल जाएगा और ये बैटर भी बिल्कुल इडली बैटर जैसा ही हो जाएगा। अच्छे से फेटेंगे इसको। ये देखिए है ना, ये ऑलमोस्ट इडली बैटर जैसा हो गया। तो अब मैं इसको रेस्ट करना रख देती हूँ और हम बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। अब हम अपने मसाले की तैयारी शुरू करते हैं। ये मैंने गैस ऑन कर दी है यहाँ पर, और इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल सबसे पहले। एक टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल डाला है। सेक वापस तेज कर देती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें डाल दी एक चम्मच सरसों और साथ ही साथ एक चम्मच जीरा। तड़कने देंगे इसको। सेक वापस तेज कर देती हूँ, मैंने सेक कम किया था। देखिए आप सुन सकते हैं तड़कना शुरू हो गया ये। अब हम डाल देंगे इसमें 1.5 इंच के करीब कद्दूकस की हुई अदरक और 2 हरी मिर्च जो कि बारीक काट के रखी है,
अदरक की रोस्ट मिल जाने तक पकाना है हमें इसे। आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, आप अकेला अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कद्दूकस करके ही डालनी है। देखिए इसकी रोस मिल चली गई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो बारीक कटे हुए प्याज मीडियम साइज के। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है हमें इसको, प्याज को सिर्फ ट्रांसलूसेंट करेंगे। आप चाहें तो अपने पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं, पर हम इसको बिल्कुल सिंपल फ्लेम रख रहे हैं। नमक डाल देंगे ताकि जल्दी कैरामलाइज हो जाए। सॉल्ट पर टेस्ट। 3 मीडियम साइज के आलू उबाल के कद्दूकस करके रखे हैं, उस हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। प्याज ट्रांसलूसेंट हो गए तो अब मैं इसमें पहले बाकी के मसाले डाल देती हूँ। यहाँ जाएगा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 तिहाई चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया डाला है मैंने, चाट मसाला नहीं तो अमचूर जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 1/2 से 1/4 चम्मच जितना चाट मसाला डाल रही हूँ। आप थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खट्टा नहीं खाते इसीलिए थोड़ा कम कम डालते हैं। वैसे इसमें थोड़ा अच्छे से ही डालें, 1 चम्मच डालें अच्छा रहेगा। मिक्स कर दिया ये मसाला मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जितना धनिया पत्ती, 2 कस करके और मैश टाइप भी हो गए हैं रखे हुए हैं, 3 मीडियम साइज के जैसा कि मैंने कहा आलू थे जो कि बॉईल करके छील के कद्दूकस कर लिए थे। एक्चुअली वो बारीक वाले कद्दूकस से किए तो इसलिए ये मैश जैसा ही हो गया है। अच्छे से इसको पकाएंगे ताकि मसाले सारे प्रॉपरली मिक्स हो जाए। तो 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे और फिर इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब 2 से 3 मिनट इसको पका के ठंडा कर लेते हैं और फिर हम अपने रोल्स बनाने शुरू करेंगे। सूजी के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं तो मैंने ये पैन में से सारा पानी सुखा लिया है, अभी धोया था तड़का पैन। इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। इसमें डाल देंगे सरसों, सरसों तड़क गई। अब डालेंगे 1 चम्मच धुली उड़द दाल, 1 टेबलस्पून जितनी धनिया पत्ती,
बंद कर देंगे इसको। और ये हमारा तड़का तैयार हो गया, इसको मैं साइड में रख देती हूँ और फिर हम इसको सबको मिक्स करना शुरू करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं ये और भी गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे और जैसा कि मैंने कहा हमें बस उतना ही गाढ़ा चाहिए जितना इडली का बैटर होता है, तो बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए ये इडली के बैटर जैसा हो गया तैयार। इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, याद रखिए मसाले में भी नमक है तो खाली सूजी के हिसाब से ही डालिएगा। और इसमें डालेंगे हम काली मिर्च एक चम्मच, और ये जो हमने तड़का तैयार किया है वो भी हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से। और अब बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने एक यहाँ पर पैन रखा है बड़ा, और ये देखिए प्लेट इसके अंदर उल्टी रखी है, और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी क्योंकि ये रोज हमारे स्टीम होंगे, तो इसीलिए पानी डाल के पहले इसको बॉईल कर देंगे और उसके बाद उसका तैयारी शुरू करेंगे। क्योंकि उसमें इनो या बेकिंग सोडा डलता है, तो एक बार वो डल गया तो उसके बाद हम बिल्कुल रुक नहीं पाएंगे, हमें साथ के साथ बनाना होगा। तो मैं इसको गैस पर रख के बॉईल होना रख रही हूँ, जब तक ये बॉईल होगा तब तक हम मसाले को किस तरीके से तैयार करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हम मसाले को अब रेडी कर लेते हैं। करना क्या है इसको, मैश तो ऑलरेडी हो गया है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को यूज करने हैं ग्लासेस ये वाले, ठीक है। तो मेरे को एक सिलेंड्रिकल शेप बनानी है जो कि इन ग्लासेस में 3/4 आए, जैसे आप ब्रेड रोल बनाते हैं ना बिल्कुल वैसी ही शेप। और मैं इसका साइज भी नाप लेती हूँ, इनफैक्ट बाहर से ही नाप सकते हैं। ये देखिए ये पूरा नहीं लगा, ये देखिए थोड़ा सा बचा है, तो इतनी दो ही बहुत है हम दो जनों के लिए, तो बाकी मसाला हम किसी और चीज में बाद में यूज कर लेंगे। तो अभी मैं बस ये दो ही बनाऊंगी शेप्स। ये वाला थोड़ा मोटा ज्यादा है तो मैं मसाला कम कर देती हूँ, क्योंकि हमें सूजी के लिए भी तो जगह चाहिए ना। ये लीजिए ये हमारे दो हो गए सिलेंडर्स, और बाकी का मसाला मैं रख दूंगी। और अब हम इसके बॉईल होने की वेट करेंगे पानी, उसके बाद ही हम बनाएंगे। पानी बॉईल हो गया तो मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से। उसके लिए हम यहाँ पे इन दोनों ग्लासेस को ब्रश कर लेंगे ऑयल से। दोनों ग्लासेस ब्रश कर दिए हमने, और अब यहाँ पर हम अपनी ले आते हैं सूजी। इसमें हम डालेंगे एक पैकेट इनो का,
आप चाहें तो जैसा कि मैंने कहा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो ये डाल दिया मैंने इनो। देखिए रेगुलर वाला इनो का पैकेट है और इसमें थोड़ा सा इसको एक्टिवेट करने के लिए डालेंगे पानी। ये देखिए जैसे बबल्स उठने लगे है ना, तो अब इसको मिक्स कर देंगे फटाफट से और फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। ये डालने के बाद जो है फिर हम इसको रोक नहीं सकते, इसीलिए हम पहले पानी बॉईल कर लिए थे। देखिए मैं इसको हाफ भरने वाली हूँ। देखिए हाफ भरा, दूसरा भी हाफ भर दूंगी। अब अगर बैटर बच गया तो इडली टाइप कुछ बना लेंगे, वैसे बचेगा नहीं। ये देखिए दोनों भरे गए, अब एक एक सिलेंडर दोनों में डाल दूंगी। मैंने पहले इसलिए भरा ताकि देखिए ये खड़े रहेंगे ना सीधे। अब इसके अंदर बाकी का बैटर डाल देंगे। हमने बाकी का बैटर डाल के इसको 3/4 ही भरना है, बिल्कुल ऊपर नाक तक नहीं भरना क्योंकि ये फूलेगा भी सही। ये देखिए ये डाल दिया, थोड़ा सा बैटर बच गया बट दैट्स ओके, थोड़ा सा तो कुछ भी कर सकते हैं। और अब हम इन दोनों ग्लासेस को डाल देंगे अपने पैन में उस प्लेट के ऊपर। अब इसको मुझे 12 से 15 मिनट तक पकाना पड़ेगा, मतलब बॉईल स्टीम करना पड़ेगा। तो लेकिन क्या है कि मैं 10 मिनट के बाद हर एक आधा मिनट में चेक करूंगी, कई बार थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो चाकू पूरा इंसर्ट करके जैसे हम इडली वगैरह चेक करते हैं वैसे ही चेक करेंगे। तो अभी लौटते हैं, एक बार ये हो जाता है फिर। एक तो हो गया, एक थोड़ा सा रह गया, लेकिन मैंने इसको चेक कैसे किया था मैं आपको वो भी बताती हूँ। सेंटर में, क्योंकि पूरा एक आलू का रोल है तो सेंटर में नहीं चेक कर सकते, तो मैंने ऐसे साइड से पूरा चाकू डाल के देख लिया था अंदर तक और वो क्लीन निकल आया था, जो विच मीन्स कि ये हो गया है। अब इसको जरा सा ठंडा होने देंगे उस निकालने से पहले, फिर हम इसको निकालेंगे और इसका तड़का भी बताऊंगी मैं आपको। देखिए मैं साइड से ऐसे एक लंबा चाकू मार के इसको डीमोल्ड करने के लिए तैयार कर रही हूँ। दूसरा थोड़ा एक दो मिनट लेट पका था, इसीलिए उसको अभी नहीं डीमोल्ड करूंगी, इसको पहले कर लेती हूँ और आपको तड़का भी दिखा देती हूँ। इसको ऐसे रख देंगे और एक दो मिनट में ये निकल आएगा। देखिए कितने अच्छे से डीमोल्ड हो गया और कितना सुंदर सा लग रहा है ना। अभी दूसरे वाले को भी उतनी देर में कर लेते हैं। ये देखिए दूसरा वाला भी निकल आया। अब इनको पहले हमें तड़का लगाना है, जैसे मैं बता रही थी, तो तड़के की तैयारी करते हैं। तो लीजिए फूडीज, ये मैंने पैन चढ़ा दिया गैस पे। इसमें डालूंगी मैं 2 बूंद ऑयल, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना, 2 बूंद तो बहुत कम बोल दिया मैंने। ये हीटअप हो जाता है तो फिर से सरसों कड़ी पत्ता और धनिया का तड़का बनेगा। ये डाल दिया मैंने सरसों, आपके पास अगर गीला करी पत्ता हो तो ले सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं इकट्ठा ढेर सारा लेके सुखा के रख लेती हूँ। अभी मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं फिर वही यूज कर रही हूँ। इसको तड़कने दूंगी मैं। देखिए कितने अच्छे से तड़कने लगा,
अब मैं इसमें डाल दूंगी करी पत्ता, फ्रेश करके डाल दूंगी क्योंकि सूखा है मेरे पास। सेक मैंने कर दिया कम। इसके अंदर डलेगा कलर के लिए हल्दी। नमक उमक तो हम सब डाल चुके हैं ना, तो वो तो कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बट कलर देने के लिए इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अब डलेगा इसमें बाकी का बचा हुआ एक टेबल स्पून धनिया और इसमें हम डाल देंगे पानी। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए है ना मजेदार। उठाना मुश्किल है तो देखिए। अब ये दूसरा वाला गया अंदर, दूसरा वाला थोड़ा टूट फूट गया है, निकालते निकालते अंदर थोड़ा सा भर है। ये पूरा इस तड़के से कवर हो गया और मैं इसको भी निकाल दूंगा और फिर हम इसको करेंगे कट। लीजिए अब हम कट कर लेते हैं इसकी रिंग्स और फिर हम इसको कर देंगे प्लेट। इसको प्यार से काटते हैं। बहुत ध्यान से काटना पड़ता है तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए देख रहे हैं आप, ऐसे काट के मैं आप उसको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए लग रहा है ना यमी सा रिंग्स। और आप चाहें तो जैसा कि मैंने कहा जो मैंने तड़का दिया है लास्ट में वो बगैर तड़के के भी आप इसको बना सकते हैं, तभी भी बहुत टेस्टी लगेगा। ये तो खाली कलर देने के लिए उसको हमने इस तरीके से किया है। तो फूडीज इसको बनाइए खाइए, मुझे पता है आप लाइक करेंगे तो लाइक कीजिए, बोलूंगी नहीं क्योंकि आप जरूर लाइक करेंगे और मुझे उम्मीद है कि खाली लाइक नहीं करेंगे आप शेयर भी करेंगे क्योंकि आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। और उसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।